गाना सुनिए, स्कूटर में गाना चल रहा है, ये देखिए कंपनी पीटर जिसमें स्कूटर आता है, ये देखिए स्कूटी अभी बैक होगा, ये देखिए लाइट जला और ये देखिए बैक हो गया, ठीक है ठीक है। तो ये देखिए कितना ज्यादा इसमें पिकअप है, तो ये 116 110 तक जाता है, 116 तक जाता है, हमें ये ऐसे पीछे धकेल रहा है। मैं हेडलाइट दिखा देता हूँ, बहुत ही रेट्रो स्टाइल में है, ये देखिए, ये देखिए कितना रेट्रो स्टाइल में है ओला का स्कूटर, और ये देखिए डे टाइम रनिंग लाइट्स, और ये ओला का ब्रांडिंग। आप इसमें मतलब पार्टी मोड आ जाएगा, बाइकों की आवाज भी निकलेगी, जैसे अलग बाइक है बुलेट है, कोई भी क्रूजर बाइक है उसकी आवाजें भी निकल सकती है। ओके, ये है ना, हाँ ये क्रूज कंट्रोल, ये क्रूज कंट्रोल है, ये स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा ना ये, और इसका वॉइस भी आएगा, हाँ इसका वॉइस भी आएगा। करेंगे, इसमें कोई चाबी नहीं है, आप लोग देख सकते हैं इसमें कोई चाबी नहीं है स्कूटर में, डायरेक्ट यहाँ से ये पासवर्ड डालने से ऑन हो जाएगा, है ना, लेकिन आप लोग बिना चाबी के इसको ऑन कर सकते हैं, ये ऑन हो गया। और तो नमस्कार ऋजुदेव, और एटा नतुन ভিডিওত আপোনালোক স্বাগত, ডাইরেক্ট দিল্লির পৰা, আৰু আজি মই এনেকুৱা এখন স্কুটি দেখুৱাম য'ত ইঞ্জিন নাই, তো আপোনালোকৰ কাৰণে এখন স্কুটি ৰিভিউ কৰিম য'ত ইঞ্জিন নাই, ওলাৰ হয় স্কুটিখন, আৰু মই ৰিভিউ এটা দিম, আৰু মই নিজে টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰিম, একচুৱেলি মই পাৰ্চেজ কৰাৰ কথা ভাবি আছোঁ, তো চাওঁ এইটো পাৰ্চেজ কৰোঁ নে নকৰোঁ, চলাই পেলাই কেনেকুৱা লাগে। মোৰ লগত আছে ওলাৰ কেব আপোনালোকে চাইছে, কিন্তু আজি মোৰ লগত আপোনালোকে ওলাৰ স্কুটি চাব, তো বলক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'। মই এই ভিডিঅ' হিন্দীত বনাম, কাৰণ মোৰ লগত যোন দাদাজন আছে তেওঁ হিন্দী ক'ব আমাক। তো কিয়া নাম থাকে ভাইয়া আপোনাৰ? হাই ধৰ্মবীৰ, ধৰ্মবীৰ ওলা কি তৰফ চে আপোনা? জি ওলা চে। তো এয়া চাওক ওলা এয়া চাওক ওলাৰ স্কুটি আছে, একবাৰ আপোনালোক দেখ লো ইয়ে ওলা কা স্কুটাৰ হে কেছা দিখতা হে, ইয়ে সিংগল স্টেণ্ড হে, ইসকা শক অবজৰ্ভৰ सिंगल स्टैंड है, मतलब सिंगल है शॉक ऑब्जर्वर, बहुत ही अनकॉमन दिखता है ये, तो दूर से मैं एक बार दिखा देता हूँ ये, और ये लॉक हो गया अभी, और इसमें चाबी नहीं आता है ना भैया? चाबी नहीं है, चाबी नहीं है, हम लोग पीछे से भी इसको एक बार दिखा देते हैं, ये देख लीजिए, ये इस तरह का ग्रीन आएगा इसका नंबर प्लेट, क्योंकि ये बैटरी से चलता है, और ये साइड से भी देख लीजिए। तो अभी चलिए इसको हम एक बार ऑन करते हैं, ऑन करके देखते हैं बाकी इसका। तो धर्मवीर जी है हमारे साथ, धर्मवीर जी इसको पहले स्टार्ट करेंगे, इसमें कोई चाबी नहीं है, आप लोग देख सकते हैं इसमें कोई चाबी नहीं है स्कूटर में, डायरेक्ट यहाँ से ये पासवर्ड डालने से ऑन हो जाएगा, है ना? हाँ जी, पासवर्ड डालने से होता है। ये देखिए मैं इसका पासवर्ड दिखा देता हूँ, क्योंकि ये टेस्ट ड्राइव के लिए अवेलेबल है, लेकिन आप लोग बिना चाबी के इसको ऑन कर सकते, ये ऑन हो गया, और ये देखिए स्क्रीन इसका ऑन हो गया, और ब्राइटनेस कर देता हूँ मैं एक बार, हाँ ब्राइटनेस, ये ब्राइटनेस भी आ गया इसमें। ओके, और इसमें क्या क्या फीचर्स है, और ये एक चार्ज में कितना दूर जा सकता है? हाँ, एक चार्ज में 170 किलोमीटर चलता है। और इसमें फीचर्स मैं बता देता हूँ आपको, ब्लूटूथ है, म्यूजिक सिस्टम भी है, म्यूजिक सिस्टम आप लोग देख सकते हैं इसमें, स्पीकर से स्कूटी में स्पीकर से आप लोग गाना सुनते सुनते इसको इसके राइड को इसका राइड को इंजॉय कर सकते हैं। हिंदी थोड़ा क्लियर नहीं है, बाकी एडजस्ट कर लीजिए और बोलिए। और उसके बाद इसमें नेविगेशन है, मैप इंडिया की चिप लगी हुई है, तो आप नेविगेशन भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग कोई भी नेविगेशन डालते हैं तो ये स्कूटी में है, देखिए हम लोग अगर स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा ना ये पॉइंट, और इसका वॉइस भी आएगा। हाँ, इसका वॉइस भी आएगा। अच्छा, इसका वॉइस भी आएगा। ओके, और इसमें और क्या क्या फीचर्स है जो आपको बता देता हूँ? इसमें क्रूज कंट्रोल है, क्रूज कंट्रोल, ये देखिए ये है ना, हाँ ये क्रूज कंट्रोल, ये क्रूज कंट्रोल है, मतलब जैसे गाड़ियों में आता है क्रूज कंट्रोल, वैसे आपको इसमें भी मिलेगा क्रूज कंट्रोल। और क्या है इसमें? रिवर्स मोड है, क्रूज कंट्रोल और रिवर्स मोड सेम अच्छा, बटन से ही होता है। ये स्कूटी बैक भी जाती है ना? हाँ, बैक हो जाती है, मैं दिखा दूंगा आप लोगों को, ये बैक भी जाता है। और क्या क्या है इसमें? और इसके बाद इसमें जो भी एक अपडेट आएगा उसमें आप इसमें मतलब पार्टी मोड आ जाएगा, बाइकों की आवाज भी निकलेगी, जैसे अलग बाइक है बुलेट है, कोई भी क्रूजर बाइक है उसकी आवाजें भी निकल सकती है। ओके, बाकी जो थीम है अभी आपको एक ही थीम दिख रही है, थीम भी 6-7 मतलब ऑप्शन होंगे हमारे पास चेंज करने के लिए। अच्छा, जैसे मोबाइल में थीम चेंज कर सकते हैं, वैसे स्कूटी का भी डिस्प्ले का थीम चेंज कर सकते हैं ना। अच्छा, इसका एक बार हेडलाइट जलाएंगे, मैं हेडलाइट दिखा देता हूँ, बहुत ही रेट्रो स्टाइल में है, ये देखिए, ये देखिए कितना रेट्रो स्टाइल में है ओला का स्कूटर, और ये देखिए डे टाइम रनिंग लाइट्स, और ये ओला का ब्रांडिंग। तो मैं देखता हूँ इसको परचेस करता हूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे बहुत मन है इस टाइप के स्कूटर को चलाने के लिए। तो आज मेरा माइक साथ में नहीं है, तो मोबाइल को साथ में रख के बोलना पड़ रहा है। और इसमें मोड्स भी बहुत है मैंने सुना है। हाँ, इसमें चार मोड है। हाँ, इको मोड है, उसमें स्पीड 40 की, एक बार दिखा के अगर आप बताएं तो। सर मैं एक बार स्टार्ट कर, हाँ स्टार्ट कर कीजिए आप। हाँ, स्टार्ट करना है, एक बार ब्रेक प्रेस करना है, फिर रेड वाला बटन एक बार प्रेस करना है। अच्छा, अब स्टार्ट है। हाँ, तो जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो नॉर्मल मोड पे स्टार्ट होगी। हाँ,
ठीक है। उसके बाद लॉन्ग ब्रेस पे इको मोड आ जाएगा। इको मोड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना रेंज भी ज्यादा दिखा रहा है। अच्छा 86 किलोमीटर। हाँ अगर नॉर्मल पे करेंगे तो इसमें 71। हाँ स्पोर्ट्स पे करेंगे थोड़ी और कम हो जाती है। हाँ क्योंकि पावर ज्यादा रहेगी, स्पीड भी ज्यादा रहेगी और रेंज कम हो जाएगा। हाइपर पे तो मतलब 116 की स्पीड चलती है, और ये नहीं है कि 116 भी 2-3 किलोमीटर चलने के बाद 500 या 600 मीटर में 116 की स्पीड पकड़ लेगी। अच्छा और इसमें इतना स्पीड है कि अच्छे अच्छे बाइक को ये इनिशियल में हरा देगा। बिल्कुल इसका टॉर्क बहुत ज्यादा है क्योंकि 8.5 है इसका टॉर्क। अच्छा 8.5 टॉर्क है, और इसका अगर इनिशियल पिकअप हम लोग देखेंगे ना बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा पिकअप है इसके में। और इसमें और बैक कर सकते हैं नाम इसका? हाँ, हम बैक कर सकते हैं। आप एक बार बैक करके दिखाइए, मैं एक बार दिखा देता हूँ अपने व्यूअर्स को। ये देखिए स्कूटी अभी बैक होगा, ये देखिए लाइट जला और ये देखिए बैक हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है भैया, अभी आप सामने की तरफ आइए। ये ओला का स्कूटर है जो मैं दिल्ली में रिव्यू कर रहा हूँ इसका, और इसमें गाने भी चला सकते हैं। हाँ, उसका साउंड आपके साथ कनेक्टेड है ये? हाँ, मेरा कनेक्टेड है। एक बार साउंड अगर आप दिखा दे तो। हाँ। कोई NCS का गाना हो तो NCS यूट्यूब में सर्च कर लीजिए। तो ये देखिए इस टाइप का कुछ इसमें स्पीकर से आप लोग गाने इंजॉय करके करते हुए जा सकते हैं ऑन द वे में। और क्रूज कंट्रोल बहुत अच्छा लगा, साउंड भी एक बार सुना देता हूँ। ये हॉर्न है? अच्छा ये गाना सुनिए, स्कूटर में गाना चल रहा है। ये देखिए कंपनी फिटेड इसमें स्पीकर आता है। ये तो कुछ इस तरह का है ये ओला स्कूटर, तो इसमें गाना भी सुन सकते हैं। और ये इंडिकेटर्स ना? हाँ ये इंडिकेटर, ये इंडिकेटर विथ साउंड आएगा। इंडिकेटर के लाइट्स भी एक बार मैं दिखा देता हूँ, बहुत ही अनकॉमन है। और इसमें इंडिकेटर अगर बंद करना है तो सेम बटन प्रेस कर देना है। और हॉर्न भी एक बार मैं सुना देता हूँ ओला का, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो मैं एक बार इसको ना अभी इसका बूट देख लेते हैं मेन चीज़। और बूट कैसे खोलते हैं आप लोग देखिए, स्कूटर का बूट यहाँ से ओपन हो जाएगा। ये देखिए क्लिक कर दिया, ये ओपन हो गया। बहुत बड़ा स्पेस है क्योंकि इसमें इंजन नहीं है। मैं आप लोगों को बताना भूल गया, ये बैटरी ऑपरेटेड है ना? हाँ। ओके, तो ये इंजन नहीं है इसमें, ये पूरा इलेक्ट्रिक से चलता है। और इसमें इसका एक बार चार्ज करने में कितना टाइम लगता है? 6.5 घंटे में चार्ज हो जाता है, और 4 यूनिट लेते हैं बस। 6.5 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाता है? फुल चार्ज, 4 यूनिट लेता है। 4 यूनिट। और कितना टाइम चलता है एक बार चार्ज होने के बाद? एक बार चार्ज होने के बाद सर टाइम नहीं, किलोमीटर चलता है। 170 किलोमीटर चलता है इको मोड में। ओके, और नॉर्मल मोड पे 100 किलोमीटर? 135 किलोमीटर। तो 100 एक बार चार्ज करने से ये 100 किलोमीटर तो मिनिमम जाएगा। और ये परफॉर्मेंस स्कूटर है, नॉर्मल बैटरी स्कूटर के जैसा नहीं है। मैं जब चलाऊंगा आप लोगों को दिखाऊंगा। इसका जो टॉप स्पीड है, इनिशियल टॉप स्पीड, वो अच्छे अच्छे बाइक्स को हरा देगा अगर ड्रैग रेस करवाते हो इससे। तो ये फुल्ली बैटरी ऑपरेटेड है जिसमें कि कोई इंजन नहीं है, मोटर है। और लाइट का लुक आप लोग देख लीजिए, और टायर देख लीजिए कैसा कंडीशन में, वॉक अराउंड देख लीजिए। तो अभी हम इसको एक बार चलाते हैं, चला के इसका रिव्यू आप लोगों को देते हैं कि कैसा है ये। तो मैं जाते ही शायद गुवाहाटी में इसको परचेस करूँ। तो चलिए चलते हैं इसके इस ओला के स्कूटर के राइट पे। तो चलिए हम अभी इसको रिवर्स करने के लिए इसको खाली प्रेस करना पड़ता है ना? नहीं, पहले आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, ब्रेक प्रेस करके रेड वाला बटन एक बार प्रेस करना है। हाँ ये वाला बटन स्टार्ट हो गया अभी। हाँ अब स्टार्ट है, जीरो आ गया ना अभी। हाँ, रिवर्स में दबा के। हाँ एंटी क्लॉकवाइज हमें करना है। अच्छा उल्टा। हाँ अच्छा, ये देखिए रिवर्स हो रहा है। तो अचानक ये फील आपको लगेगा कि क्या हो रहा है ये। अभी फिर से रिवर्स को डिस्कनेक्ट करने के लिए क्या करना? सेम बटन आपको प्रेस करना है फिर से। ये हो गया नॉर्मल। अभी ये नॉर्मल मोड पे है ना? हाँ अभी ये नॉर्मल मोड पे, जब स्टार्ट होगा तो नॉर्मल मोड पे ही चलेगा वो। ओके, तो मोड यहाँ से चेंज होता है? हाँ मोड यहाँ से चेंज। तो एक स्विच में मोड भी चेंज हो जाता है। तो अभी हम नॉर्मल मोड पे इसको चला के देखते हैं कि हमारे वहाँ पर चलेगा कि नहीं, असम में मतलब आप जाएगा कि नहीं। तो नॉर्मल में देख लेते हैं। तो ब्रेक छोड़ा और ये मैं चला रहा हूँ ओला का स्कूटर, लेकिन पिकअप तो बहुत ज़्यादा है, अच्छा भी लग रहा है। तो चलिए चला के देखते हैं इसको और एक रिव्यू देते हैं आप लोगों को, कंफर्ट वाइज भी कैसा है। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है। तो चलिए अभी चला के देखते हैं। तो ये नॉर्मल मोड में काफ़ी अच्छी तरह जा रहा है, और ये 70 किलोमीटर रेंज, अभी बैटरी तो बहुत कम है। हाँ बैटरी कम है अभी, तब भी ये 70 दिखा रहा है, और 70 तो देगा ना? हाँ बिल्कुल 70 चलेगा, 70 चलेगा ना। ओके, तो अभी रास्ता कहाँ से है, इस तरफ से जाना पड़ता है? आप सीधा ही चलो। सीधा चलता हूँ ना, और अगर रनिंग में इसको चेंज कर सकता हूँ क्या? हाँ रनिंग में मोड चेंज हो जाता है। और ये स्पोर्ट मोड में बहुत ज़्यादा पिकअप है, बहुत ही ज़्यादा है। तो हम लोग आ गए हैं गली की तरफ, तो इधर देख लेते हैं। इधर तो मैं इसको, और ये देखिए नॉर्मल स्कूटर की तरह नहीं है, बहुत ज़्यादा पिकअप लेते हैं आप लोग अगर
आप लोग अगर डिस्प्ले की तरफ देखो ना, तो ये देखिए, मतलब जस्ट इनिशियली इधर तो रास्ता ही खत्म हो गया, ओके इस साइड हम जा सकते हैं। तो देखिए जस्ट मैं प्रेस करता हूँ, एक्सेलेटर को घुमा दिया और ये पिकअप ले लिया। ये देखिए, ये देखिए, अभी मैं इसको अगर हाइपर मोड में डालूंगा, जो कि इसका टॉप मोड है, बहुत ज्यादा पिकअप है इसका, और ये पीछे धकेल देता है। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, ये पीछे धकेल देता है हमें गाड़ी जैसे। मैं ये इसको चला रहा हूँ ना, तो ये मुझे पीछे धकेल रहा है, इतना पिकअप है इसमें। इस साइड जा सकते ना, राइट साइड? हाँ जा सकते। ओके, तो बहुत ज्यादा पिकअप है, मैं तो श्योर इसको जाते ही परचेस करूंगा। मुझे लगा था इसका स्पीड अच्छा नहीं होगा, लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा अच्छा है। और मेरा दूसरा फोन में फोन आ रहा है, उसको मैं करता हूँ साइलेंट, क्योंकि मैं एक बहुत ही अच्छे स्कूटर की ड्राइव पे हूँ। तो ये देखिए, तो ये फिर से हम लोग रोड पे आ गए। अगर हम इसको, ये बहुत ज्यादा पिकअप लेता है, इसमें इंजन नहीं है, इंजन नहीं है, आवाज आएगा शायद हवा का आपको, आप लोगों को, तो इसमें ऐसा होता है। और हम लोग अंदर अंदर ही जा रहे हैं, क्योंकि मैं रोड पे इसको नहीं लेके गया। और ये देखिए कितना ज्यादा इसमें पिकअप है, तो ये 116-110 तक जाता है, 116 तक जाता है। हमें ये ऐसे पीछे धकेल रहा है। आप लोग जब तक इस स्कूटर को चलाओगे नहीं ना, तब तक बिलीव नहीं कर पाओगे। तो यही था ओला स्कूटर का रिव्यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक वीडियो में आप लोगों के साथ, एक धासु कंटेंट के साथ। तब तक वेट कीजिए नए वीडियो के लिए, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।